नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। पाकिस्तान च तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इतने सानू फुल आजादी है, कोई किस्म की टेंशन नहीं है, बल्कि जो कोई साढ़े तो कोई आफत आती है तो मुस्लिम सानू पहले प्रोटेक्ट करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और मोदी सरकार जो है उनके साथ सरासर ज्यादती कर रही है। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त अमन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है इंडियन मुस्लिम्स के बारे में। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं। तब तक मैं जानती हूँ यहाँ पे आए हुए लोगों के साथ, क्या आपको लगता है इंडियन मुस्लिम्स इंडिया में खुश हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुश हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रही हैं। जो इंडिया के अवाम है, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत सारी जो है वो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उनके स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है कि वो आगे ना भर पाएँ, वो आवाज़ ना उठा सकें अपने जुल्म के खिलाफ। तो मैं नहीं मानती कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो वो खुश नहीं है वहाँ पर किसी भी सूरत हाल में। मेरे ख्याल में तो नहीं खुश। क्यों? क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और मोदी सरकार जो है उनके साथ सरासर ज्यादती कर रही है। मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो अपने ईद वगैरह है वो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं कर सकते। उनको इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ पे अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं खुल के इंजॉय करने की। हाँ जी, वो नहीं कर सकते ना वहाँ पे, हम लोग कर सकते हैं। जारी गल है, मैं थानू पहले दस्या है कि जिवें असीं इत्थे आज़ाद है ना उत्थे आज़ादी नहीं है। इंसान नूं इंसान नहीं समझदे, वो कहिंदे हिंदू इंसान ने ते बाकी जिहड़े दूजे मजहब वाले ने ना जिहड़ा भी है, खा मुस्लिम है, क्रिश्चन है, खा अपना वो सिख है, जिहड़ा भी है वो अपने तो नीचे दर्जे का उन्होंने समझते हैं, यानी कि वो कोई उन्होंने हकूक नहीं है उत्थे। पाकिस्तान च ते अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इत्थे सानू फुल आजादी है, कोई किस्म की टेंशन नहीं है, बल्कि जे कोई साढ़े तो कोई आफत आती है तो मुस्लिम सानू पहले प्रोटेक्ट करते हैं। मुसलमान तो इंडिया में खुश हैं, लेकिन वो इस वक्त चाहते हैं अपनी आज़ादी। यहाँ तक कि अभी तक कश्मीर को टारगेट किया जा रहा था, जिस पे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम हमारे पास आता है अमन की आशा के नाम से, लेकिन उसको देखने के बाद जब इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जानता था, पाकिस्तान एक तरह से सलामती का पैगाम चाह रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उनकी गवर्नमेंट है क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। यहाँ पे एक कोई अगर लड़की है, एक क्रिश्चियन है ना कि मुस्लिम, उसने स्टेज पर खड़े होकर एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो यहाँ पे भी हिंदू हैं वो किसी, हम तो नहीं कहते कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये नहीं कहते। हम ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। नहीं, क्यों? उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। 2-3-4 दिन पहले भी उनको मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, उनको वो मारा जा रहा था, बहुत उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। नो। क्यों? क्योंकि वो हिंदू लोग वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के बच्चों के साथ, जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ। हमारी मस्जिदें मॉस्क शहीद की जा रही हैं और जुल्म बहुत किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली हुकूमत को चाहिए कि इंडिया के लिए कुछ करे। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो इंडिया में खुश हैं, क्योंकि पर्सनली कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं जो इंडिया में रहते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो बहुत खुशी का इजहार करते हैं। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कम्पेलिटीज़ हैं, बहुत बाउंड फील करते हैं वहाँ पर, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है अपने फेस्टिवल्स को लेकर। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ के मुस्लिम। नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उसके अलावा उन पे जुल्म हो रहा है। मेरा ख्याल नहीं है कि इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा राइट नहीं मिल पाते जो कि हमारे जो है पाकिस्तान में जो है मुस्लिम को सही हकूक मिल पाते हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो। इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों नहीं जी? जारी गल है उन्होंने भी दिल चे कि जिमें इतने लोग दूजिया कलीतों हकूक ने सू भी मिलने चाहिए ने, असी भी इंज ही खुश रहिए जिमें ये रेंदे पे ने। जारी गल है हर एक दिल से तो ख्वाहिश होंगी है ना जी, वेखो हूँ किन्ने लोग उ मारी जा रहे ने, तो सीधा सीधा जुलम है। इंडियन मुस्लिम रखते हैं पाकिस्तान को देखकर सॉफ्ट कॉर्नर वो चाह, क्योंकि हमारे जैसे बताया गया कि बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर दो यानी रंग है, एक सब्ज रंग और साथ ही एक वाइट रंग, तीन है, तीसरा वाइट नहीं है पाकिस्तान के झंडे के पास। ठीक पाकिस्तान के झंडे में हम लोग पाकिस्तान में यानी गैर मुस्लिमों को भी उनके हकूक देते हैं और मुसलमानों को भी, लेकिन वहाँ
फिर अभी जैसे आपको पता है रिलीजियस बेसिस पे हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आप देखते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को किसी किस्म की आज़ादी नहीं दी जाती। जी बिल्कुल रखते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वो मुहाफिज हैं, इधर उनको खुश रह सकते हैं, इधर कोई भी ऐसा वैसा मज़हब का कोई मसला नहीं है, और यहाँ जो है हर इंसान खुश है, कोई भी मज़हब का बंदा है वो और अपने मज़हब में खुश है, कोई भी किसी को तंग नहीं करता। कहाँ पे? हमारे पाकिस्तान में। जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या वो इंडिया में महफूज हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं महफूज, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो न्यूज़ में देखता हूँ तो वो बड़े परेशान हैं और उनसे ज़्यादती हो रही है। रखते हैं, हाँ जी रखते हैं, वो लोग तो रखते हैं, मुसलमानों के लिए तो रखते हैं, इंडियंस के लिए मेरे ख्याल से नहीं रखते होंगे। नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंडियंस हैं वो इंडियन मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान को लेके बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर हैं, वो रखते ही हैं, लेकिन जो है वो फिर मजबूर भी हैं जब वो देखते हैं कि जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो बिल्कुल नहीं है हमारा साथ दे रही, तो फिर वो जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर कुछ हद तक फिर नहीं भी रखते। नहीं लगता ऐसा। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आके तशद्दुद कर रहे हैं लोगों पे, इंडियन मुस्लिम्स भी, पता नहीं वो आते हैं इधर आगे नहीं कब आते हैं कभी भी आ जाते हैं मुसलमान वो इस पर कर लेते हैं, नरमी में आ जाते हैं, हिंदू नहीं आते हैं, और हिंदू का वो हिंदुओं को चाहिए कि उनके साथ ऐसा जुल्म ना करें, मुसलमानों के साथ उनको ना शहीद किया जाए, हमारी मस्जिदों को ना शहीद किया जाए। नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सॉफ्ट कॉर्नर्स रखते हैं, क्योंकि जितना उधर हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म व सितम हुआ जा रहा है वहाँ पर, तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि वो उनके अंदर कोई भी रहम दिली या इंसानियत है। आपको क्या लगता है कि इसके सलूशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके सलूशन में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे मुसलमान कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर कोई हुकूमत जो है हमारी वो एक्शन ले, उसके ऊपर कोई जो है वहाँ के मुसलमानों को वहाँ पे यहाँ नहीं आने दिया जाता, स्पेशली उनके माँ बाप हैं यहाँ पे, किसी की सिस्टर्स हैं यहाँ पे, उनको मिलने नहीं दिया जाता, यहाँ पर आने नहीं दिया जाता, उनको वीज़े नहीं लगते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकें, अपने जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं उनसे मिल सकें। अच्छा रवैया रखना चाहिए, हर इंसानियत के नाते हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सलूशन पे गवर्नमेंट को मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को ज़्यादा बेहतर समझता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है तो उसको चाहिए कि वो जो हमारी है वहाँ के मुस्लिम्स हैं उनके उनको हेल्प करें, उनकी जो मदद करें ताकि उन पर जुल्म वगैरह जो है ना वो स्टॉप हो सके। उनको उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और बस यही सब कुछ करना चाहिए। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।